हे एवरीवन, वेलकम टू चेतनास लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में मेरा हेयर केयर रूटीन शेयर करूंगी और हेयर केयर रूटीन सीजन के अकॉर्डिंग मैं चेंज करती रहती हूँ। और जैसा कि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो वेडिंग में हमारे बाल, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा शाइनी होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ग्लोई सा टेक्सचर हमारी स्किन और बालों का आना चाहिए, तभी जाकर के हम जो भी आउटफिट पहनते हैं तो वो बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं। तो ऐसे में आज मैं जिस चीज़ का उपयोग मेरे बालों पर करूंगी, क्या क्या मैं अप्लाई करने वाली हूँ, किस तरीके से मैं उसे क्लीन करूंगी, या जो जो भी चीज़ मैं लगाऊंगी अपने बालों पर, तो वो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करूंगी और आपको आई होप वो तरीका अच्छा भी लगेगा। तो चलिए वीडियो को अभी आप जैसा कि देख रहे हैं, मेरे बालों की कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि विंटर आ गई है और विंटर में कुछ लगाने का मन नहीं होता है बालों पर, क्योंकि ठंड सी लगती है, तो इस वजह से कम ही लग पाते हैं जो भी DIY हेयर मास्क होते हैं। और अभी मेरे बाल इतने अच्छे नहीं हैं, तो आज मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बालों का कर लिया जाए, नहीं तो बालों की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में मैं जो ले रही हूँ यहाँ पर, ये मैंने तिल का तेल लिया है और ये ओरिजिनल तिल का तेल है, तो ये कच्ची घानी वाला है स्पेशली, तो ये मैंने लिया है। आपको जो भी तिल का तेल अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट लेकर के आता है, और स्पेशली जिनके बाल पतले होते हैं, थिन जो बाल होते हैं, तो उनके बालों का टेक्सचर अगर आपको मोटा करना है या मोटे बाल आपको करने हैं, तो आप तिल का तेल ज़रूर इस्तेमाल करें। तिल की ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बालों को नेचुरली काला बनाती है, जड़ों को मजबूत बनाती है और साथ ही साथ में बालों की थिकनेस को भी इम्प्रूव करती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तिल का तेल, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी ये पतंजलि का केश कांति आंवला हेयर ऑयल, और ये मैं काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये पसंद है ऑयल। तो अब मैं इसमें ये ऐड करूंगी। लगभग 2 टेबलस्पून ही मैंने डाल दिया है और आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग तेल को बढ़ा सकते हैं। मैंने दोनों तेलों को मिक्स कर दिया है और इस तरीके से मैं अब टिप की सहायता से इसे अपने बालों में इस तरीके से मसाज करूंगी। और सबसे पहले आपको जड़ों में लगाना है ऑयल, और जो लोग ऑयलिंग नहीं करते हैं, बहुत से लोग ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों के लिए, क्योंकि बालों को डीपली नरिशमेंट ऑयलिंग ही देगा। तो ये देख लीजिए कि मैं किस तरीके से अपने बालों को हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। इस तरीके से आपको जड़ों में लगाना है। तो अभी मैं अपने बालों पर ऑयल लगा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने ऑयलिंग कर ली है अपने पूरे बालों पर, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से ऑयलिंग किया है कि पूरी जो भी बालों की रूट्स होती हैं, रूट से मैंने टिप तक अपने बालों को अच्छे तरीके से ऑयल लगाया है, और आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से मैंने ऑयलिंग कर ली है। और अब मैं इस ऑयल को 1/2 आवर तक अपने बालों में इसी तरीके से छोड़ दूंगी, उसके बाद में मैं इसे शैम्पू कर लूंगी। हेयर ऑयलिंग के 1/2 घंटे बाद मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, और अब आप पूछेंगे कि शैम्पू कौन सा इस्तेमाल किया है, तो शैम्पू ये है और इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये मैंने शैम्पू इस्तेमाल किया है और उसके बाद मैंने कंडीशनर इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब मैं अपने बालों को खोल लेती हूँ। और हल्का सा टॉवल ड्राई मैं अपने बालों को कर लेती हूँ। और टॉवल ड्राई बालों पर इस तरीके से, जब ये टॉवल ड्राई हो जाए उसके बाद में मैं यहाँ पर अपने बालों में इस्तेमाल करने वाली हूँ ये वाव स्किन साइंसेस का ये है मास्क, हेयर मास्क है फॉर ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर के लिए ये हेयर मास्क आता है। ये सनफ्लावर
बायोलिपिड्स एंड आर्गन ऑयल वाला जो ये हेयर मास्क है, इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है और इसकी बाकी की जो डिटेल्स है वो मैं वीडियो में आप सभी को मेंशन कर दूंगी। तो पहले इसे लगा करके देख लेते हैं। एक बार मैंने इसे पहले भी यूज किया हुआ है तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे अप्लाई करूंगी तो आप सभी के साथ में इसका भी रिव्यू शेयर कर दूंगी। तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आप देख सकते हैं और ये इसका प्रोडक्ट है। और अब मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये इसका जो क्रीम है वो मैंने निकाल लिया है और सबसे पहले टिप वाले एरिया से मैं इसे लगाऊंगी क्योंकि मोस्टली ड्राइनेस टिप वाले एरिया पर ही आती है। तो सबसे पहले मैं इन्हें ही कवर करूंगी। और सबसे पहले आप नीचे ही लगाइए क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं बाल और बहुत से लोगों को दो मुँह है बालों की प्रॉब्लम भी होती है। तो सबसे पहले जो भी मास्क हेयर मास्क होते हैं वो आप सबसे पहले नीचे ही अप्लाई करेंगे। टिप पर मैंने नीचे की साइड में सभी बालों पर लगा लिया है और अब मैं इसे लगाऊंगी जो मेरा स्कैल्प है उसमें। ज़रूरी नहीं है कि आप ये ही हेयर मास्क अप्लाई करें, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के हेयर मास्क आजकल अवेलेबल हैं तो आप उनमें से अपने हेयर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग हेयर मास्क ला करके लगा सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है तो मैं इसीलिए ही मैंने सोचा कि अब मैं आपको इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ। तो अभी जब मैं अपने बालों को वॉश कर लूँगी उसके बाद मैं फाइनल रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। और अब इसे थोड़ी देर के लिए हमें मसाज करना है इस तरीके से ताकि जितनी भी क्रीम जो हमने लगाई है, जो मास्क हमने लगाया है, वो पेनेट्रेट हो जाए अच्छे तरीके से स्कैल्प में। और नेक्स्ट स्टेप अब मैं आपको बताती हूँ। टॉवल है इसे गर्म पानी में डिप कर लिया है और इस तरीके से मैं पूरे बालों के ऊपर, और अब इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही हमें छोड़ देना है। उसके बाद में मैं इसे वॉश करके आपको दिखाऊंगी। और इसे वॉश करने के लिए आप किसी भी शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करें और जब आप इसे धोएं तो हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर से इसे वॉश करना है सबसे पहले, उसके बाद में आपको इसे ठंडे पानी से धो देना है और बिल्कुल भी शैम्पू का इस्तेमाल या कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं आपको मिलती हूँ इसे वॉश करने के बाद में फाइनल रिजल्ट के साथ में। ये है वाओ स्किन साइंसेस का हेयर मास्क फॉर ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर के लिए है। ये सनफ्लावर बायोलिपिड्स एंड आर्गन ऑयल वाला हेयर मास्क है। ये स्पेशली बालों को स्मूथ बनाता है, जितनी भी बालों में ड्राइनेस आ गई है वो भी दूर करता है, साथ ही साथ में बालों में अच्छे तरीके से शाइन को लेकर के आता है और बालों को रिपेयर करता है जो बाल डैमेज्ड हो रहे हैं। जैसे कि कई लोग कलर ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट बालों के होते हैं तो उसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं, स्प्लिट एंड्स आने लगते हैं, तो ये उसी पर वर्क करता है और काफ़ी स्मूथ बनाता है आपके बालों को। ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकन फ्री है और मिनरल ऑयल फ्री प्रोडक्ट आपको ये मिलता है और बाकी की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका MRP है 549 रुपीज़ और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स, आप देख सकते हैं, और 200 ml की इसकी क्वांटिटी आती है और इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। और इसके अंदर आपको QR कोड भी मिलेगा तो आप इसे स्कैन करके इसकी डिटेल्स को जान सकते हैं, इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और ये इस तरीके से पैकेजिंग आप इसकी देख सकते हैं। अंदर से प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ये एक प्लास्टिक का जार है और इसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये है इसका प्रोडक्ट, मैंने इसे एक बार पहले भी यूज़ किया हुआ है और काफ़ी क्रीमी सा प्रोडक्ट है, ना ही ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में है और ना ही ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में है। ये एक इवन तरीके से लग जाता है पूरे बालों पर और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी देता है।
और आपको इसका जो एक्चुअल रिजल्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने इसे अप्लाई किया था तो मेरे बालों पर सेम डे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लगा जितना नेक्स्ट डे इसका रिजल्ट लगा था। बालों को मैंने वॉश कर लिया है और काफ़ी स्मूथ से बाल हो गए हैं। और अब मैं इसे पूरा सूखने के बाद में आपको बताऊंगी कि ये बाल किस तरीके के हैं, और डे लाइट में भी मैं आपको जाकर के दिखाऊंगी कि मेरे बाल कैसे हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं बालों के अंदर जो शाइन ऐड हुई है, काफ़ी स्मूथ सा टेक्सचर आ गया है बालों का। और ये मेरा जिस दिन मैंने मास्क लगाया था उसी दिन का वीडियो है, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने जब अपने बालों को देखा तो काफ़ी ज़्यादा बाल अच्छे स्मूथ और ज़्यादा सिल्की हो गए थे। तो ओवरऑल मुझे तो ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, आप डेफिनेटली इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके बाल ड्राई हैं, डैमेज्ड हो रहे हैं अभी विंटर के कारण, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे मास्क अवेलेबल तो हैं। मैंने पूरा अपने बालों को ड्राई कर लिया है और मैंने नेचुरल तरीके से ही इन्हें ड्राई किया है, और आप देख सकते हैं कि बाल बहुत ही अच्छे स्मूथ हो गए हैं, काफ़ी अच्छा सा टेक्सचर आया है और शाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आप भी डेफिनेटली इस तरीके से अपने बालों की केयर कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल तरीका है बालों की केयर करने का। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलिए।